हेलो दोस्तों, सोचो अगर ब्रूसली और एक शाओलिन मास्टर के बीच फाइट करा दी जाए तो आपको क्या लगता है उनमें से कौन जीतेगा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सन 1964 में जब ब्रूसली और एक शाओलिन मास्टर के बीच फाइट हुई तो उसमें से जीतने वाले इंसान के बारे में हमें वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाओलिन मास्टर वोंग जैकमैन को, जिनका एक ताइची स्कूल के मास्टर से फ्रेंडली मैच होने वाला था। ये फ्रेंडली मैच शुरू हुआ जिसके बीच ताइची मास्टर ने वोंग को गिरा दिया। गिरने के बाद वोंग को गुस्सा आ गया और खड़े होकर उसने ताइची मास्टर को एक किक दे मारी। उस किक से ताइची मास्टर के साथ साथ सीन भी शिफ्ट हो गया, जहां ब्रूसली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में कुछ लड़कों को कुंगफू सिखा रहा था। इस समय तक ब्रूसली इतना फेमस नहीं हुआ था, वो बस छोटी मोटी मूवी में काम करता था। शाम को उसके स्टूडेंट स्टीव ने उससे पूछा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ब्रूस ने कहा, आओ चेक करते हैं। वो दोनों फाइट करने लगे, जहां स्टीव ब्रूस पर अटैक किए जा रहा था और ब्रूस सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। स्टीव ब्रूस का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। वहीं शाम को उसके एक स्टूडेंट विनी को कुछ गुंडों ने घेर लिया। असल में विनी एक ब्लॉसम आंटी के बार में पैसा हार गया था, जो वो अभी तक चुका नहीं पाया, इसलिए उनके गुंडे वसूली करने आए थे। वो विनी को तोड़ने लगे, लेकिन तभी वहां ब्रूस आ गया, जिसने उन गुंडों की चटनी बनाने में मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगाए। ब्रूस ने उस गैंगस्टर से कहा कि उठाओ अपने नमूने और यहाँ से भागो। अगली सुबह स्टीव ने एक मैगजीन में देखा कि वोंग मैन नाम का शाओलिन मास्टर उन्हीं के शहर में आ रहा है। वो वोंग मैन से हाथ मिलाने उन्हें रिसीव्ड करने पहुंच गया, जहां उसने वोंग को लिफ्ट दी और उससे पूछा कि क्या आप मुझे कुंगफू सिखाओगे। वोंग ने कहा कि पहले तुम किसके स्टूडेंट थे। स्टीव ने जवाब दिया, मास्टर ब्रूसली। तब वोंग ने कहा, फिर तो ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। उसके बाद स्टीव कुछ सामान डिलीवरी करने ब्लॉसम आंटी के रेस्टोरेंट में गया, जहां एक शोलिन नाम की लड़की उसे पसंद आ गई, लेकिन ब्लॉसम के गार्ड किसी को भी उन लड़कियों से मिलने नहीं देते थे। यहां ब्रूसली को भी पता चल गया था कि वोंग जैकमैन उन्हीं के शहर में आ चुका है। उसको ये भी पता था कि शाओलिन मास्टर नहीं चाहते कि कुंगफू कभी चाइना से बाहर आए, और शायद इसलिए वोंग जैकमैन ब्रूसली को रोकने आए हैं, क्योंकि वो अमेरिका के लोगों को कुंगफू सिखा रहा है। हांगकांग में भी उन लोगों ने ब्रूसली को परेशान किया था, और शायद यहाँ भी वोंग के आने का मकसद यही है। उसके बाद स्टीव विनी को लेकर ब्लॉसम के रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहाँ शूलान काम करती थी। उसने शूलान को एक लव लेटर दिया और उसे बाहर मिलने बुला लिया, लेकिन उसी रात ब्लॉसम को पता चल गया कि शूलान स्टीव से मिल रही है। इसलिए उसने शूलान से कहा कि अगर तुम आज के बाद किसी भी बाहर वाले से मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ ब्रूसली ने मन बना लिया था कि वो वोंग को फाइट के लिए चैलेंज करेगा और उसे हरा के वापस चाइना भेज देगा। इसलिए उसने स्टीव से कहा कि तुम वोंग से कहो कि मुझे टूर्नामेंट के बाद उनसे मिलना है। स्टीव भी वोंग के पास खबर लेके पहुंच गया। वोंग ने उससे पूछा कि ब्रूस क्यों मिलना चाहता है। स्टीव ने कहा कि शायद उसको लगता है आपको उसका अमेरिकन्स को कुंगफू सिखाना पसंद नहीं है। वोंग ने कहा, तो इसमें गलत क्या है, अमेरिकन्स के पास न्यूक्लियर पावर है, तो क्या वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर पावर दे रहे हैं। नहीं ना, तो आखिर चाइना अपना कुंगफू क्यों किसी को दे। उसने बताया कि भले ही मैं एक रेस्टोरेंट में कप प्लेट धो रहा हूँ, लेकिन ऐसे मैं अपनी एक बड़ी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। असल में मैंने घमंड में आकर एक फ्रेंडली मैच में अपने अपोनेंट पर ऐसी डेंजरस किक मारी कि वो अब लड़ना तो छोड़ो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। उसने टूर्नामेंट के बाद ब्रूस से मिलने के लिए भी हाँ कह दी। अगले दिन ब्रूस का टूर्नामेंट शुरू हुआ, जहाँ अमेरिकन कराटे चैंपियन को वो ऐसे नचा रहा था जैसे मदारी एक बंदर को नचाता है। तभी उसने अपना 1 इंच पंच यूज करके उस चैंपियन को बाहर फेंक दिया। तब तक वहाँ वोंग भी आ चुका था। ब्रूस ने कहा कि क्यों ना आज वोंग द शाओलिन मास्टर हमें कुछ सिखाएं। वोंग ने कहा कि तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है जो कि तुम खुद हो, क्योंकि तुम सिर्फ घमंड से लड़ते हो, अपनी आत्मा से नहीं। ब्रूस ने उससे कहा,
फिर हो जाए एक मैच, लेकिन वॉन्ग ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ और मैं तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक किसी के मरने जीने पर बात ना आ जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। यहाँ विनी ने अभी तक ब्लॉसम आंटी के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए कुछ गुंडों ने आकर पहले तो उसकी दुकान तोड़ी और फिर विनी की हजामत बना दी। स्टीव को विनी के बारे में पता चला तो वो ब्रूस से मदद मांगने चला गया। स्टीव चाहता था कि ब्रूस विनी का बदला ले, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड शूलान को भी छुड़ा ले, लेकिन ब्रूस ली ने उसे बताया कि बचपन में जब वो हांगकांग में रहता था तब उसने एक लड़के को बहुत बुरी तरह मारा था। वो लड़का एक काफ़ी बड़े डॉन का बेटा था, इसलिए ब्रूस के डैड ने उसको बचाने के लिए उस डॉन से ये सुलह कर ली थी कि वो लोग ब्रूस को छोड़ दें और आज के बाद ब्रूस उनके किसी गुंडे को हाथ भी नहीं लगाएगा। और बदनसीबी से उस डॉन के गुंडे ब्लॉसम आंटी के यहाँ काम करते हैं, इसलिए इस मैटर में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद स्टीव मदद मांगने वॉन्ग के पास गया, जहाँ वॉन्ग ने फिर वही कहा कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें कुंग फू की अच्छी ट्रेनिंग दे दूँ। स्टीव इस बात के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद स्टीव के पास ब्लॉसम आंटी मिलने आई, जिसने बताया कि अगर तुम वॉन्ग और ब्रूस को एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हो तो मैं शूलान को तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर स्टीव जल्दी से वॉन्ग के पास गया। उसने वॉन्ग को सब बताया, लेकिन वॉन्ग ने फिर वही कहा कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया। स्टीव बोला कि तुम्हारा प्रायश्चित एक लड़की को बचाकर होगा या यह कप प्लेट चमका के। ये सुनकर वॉन्ग उस फाइट के लिए मान गया और खुद ब्रूस से मिलने पहुंचा, जहां उसने बताया कि तुम्हारा उस दिन का चैलेंज मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ। इस मैच की खबर आग की तरह फैलने लगी। इनकी फाइट पर जोरों शोरों से सट्टा लगने लगा। ये दोनों हांगकांग में तो इतने फेमस थे ही, और यहाँ अमेरिका में उस टूर्नामेंट के बाद ब्रूस ली भी काफ़ी फेमस हो गया था। उनके मैच पर सट्टे की रकम $10 मिलियन थी, जो कि 1964 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। एक शाम स्टीव ब्रूस से मिलने आया, जहाँ उसने बताया कि मास्टर वॉन्ग चाहते हैं ये मैच किसी बड़े स्टेडियम में नहीं बल्कि किसी बिल्डिंग में खाली जगह हो, जहाँ मुश्किल से 10-15 लोग ही अलाउड हों। एक मॉन्क होने की वजह से वॉन्ग को दिखावा करना पसंद नहीं था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये एपिक फाइट शुरू हुई। मैच शुरू होते ही ब्रूस ली काफ़ी अग्रेसिवली लड़ रहा था और वॉन्ग उससे अपना बचाव करता। ये देखकर ब्रूस ली को गुस्सा आने लगा कि आखिर इसको लड़ना नहीं है क्या, लेकिन शायद वॉन्ग नहीं चाहता था कि ब्रूस ली को चोट लग जाए। ब्रूस ली घमंड से भरा हुआ था और तभी वॉन्ग ने उसका घमंड तोड़ने के लिए इतनी ऊंचाई से छलांग लगा दी। ये देखकर ब्रूस का घमंड थोड़ा तो टूटा, क्योंकि इतने ऊपर से कूदने के लिए उसने भी 2 बार सोचा। उसके बाद फिर से उनकी फाइट शुरू हुई और एक पॉइंट ऐसा आया कि वॉन्ग ब्रूस को ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ब्रूस तब भी फाइट रोकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसने वॉन्ग को गिरा दिया। वॉन्ग खड़े होकर उसको किक करता, लेकिन वो रुक गया और उन दोनों ने एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ लिए। ब्लॉसम आंटी ने पूछा कि आखिर तुम में से कौन जीता है, लेकिन उन दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ ब्लॉसम आंटी पर प्रेशर आ रहा था कि वो जल्दी से इस मैच के रिजल्ट डिक्लेयर करे, वरना उन्हें लोगों के पैसे वापस करने होंगे, जिससे कि उनका ही लॉस होगा। उसके बाद ब्लॉसम आंटी ने स्टीव को बुलाया और कहा कि अगर आज रात तक हमें हमारा विनर नहीं मिला तो हम शूलान को किसी और को बेच देंगे। ये सुनकर स्टीव वॉन्ग के पास पहुंचा। वॉन्ग ने कहा कि इस मैच में मेरी जीत तब डिसाइड होगी जब ब्रूस ली का एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा और वो रियल कुंफू मास्टर बनकर सबके सामने आएगा, और अगर उसका एटीट्यूड नहीं ख़त्म हुआ तो मतलब मैं हार गया हूँ। स्टीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो खुद ही शूलान को छुड़ाने चला गया। इस बात की खबर ब्रूस को लग चुकी थी, इसलिए वो वॉन्ग के पास आया और कहा कि हमारे बीच जो भी हुआ उसको भूल जाएं,
तो हमारा स्टूडेंट खुद अकेले अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने गया है, वो लोग उसे मार देंगे, इसलिए हमें मिलकर उसे बचाना चाहिए। यहाँ स्टीव ब्लॉसम आंटी के रेस्टोरेंट में पहुंचकर लड़ने लगा। उन गुंडों ने स्टीव को धोकर बाहर निकाल दिया। इतने में वहाँ वोंग और ब्रूस भी पहुंच गए। वो दोनों अंदर आए और इन तीनों को दरवाजे में फेंक कर मारा। इन्होंने इन गुंडों की सही तरह से धुलाई कर दी। उनके आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। उसके बाद वो ऊपर ब्लॉसम आंटी से मिलने आए, जहाँ एक बॉस ने कहा कि अगर शुलान चाहिए तो बताओ तुम दोनों में से कौन अपनी हार मानता है। वोंग ने कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, अब तुम शुलान को छोड़ दो। तभी ब्रूस ने कहा कि नहीं, सिर्फ शुलान को नहीं बल्कि तुम्हें सारी लड़कियाँ छोड़नी पड़ेंगी। बॉस को ना चाहते हुए भी सभी लड़कियों को छोड़ना पड़ा। वहाँ उनके साथ उस बॉस का बेटा भी बैठा था, जिसकी टांग ब्रूस ली ने हांगकांग में तोड़ी थी। वो लड़का ब्रूस पर अटैक करता उससे पहले ही ब्रूस ने उसको धाराशाही कर दिया। अब शुलान और सभी लड़कियां उस नरक से रिहा हो गई। कुछ समय बाद वहां से वोंग भी वापस चाइना जाने लगा, क्योंकि इतनी लड़कियों को रिहा करा के उसका प्रायश्चित पूरा हो गया था। और इसके साथ ही मूवी का भी एंड हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेटर है, ब्रूस ली या फिर शाओलिन मास्टर वोंग? आप अपने विचार मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो पर एम करते हैं 400 लाइक्स का। क्या मतलब, 400 व्यू भी आ जाए तो बड़ी बात है, कर देना यार। और कहानी कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट करके बता ही देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।